नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम अंग्रेजी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, वह पढ़ेंगे। इस सत्र में हम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांतों तथा परिसर पर लगने वाले उन प्रतिबंधों का अध्ययन करेंगे जिनसे प्रतिलोमों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है, और आलेखों द्वारा प्रतिलोमों का अवलोकन भी करेंगे। इसको शुरुआत में आने से पहले आइए हम कुछ बिंदुओं को याद करें। सबसे पहले हम फलन की परिभाषा याद करेंगे। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार फलन को दर्शाते हैं f a से b तक, जहां ये a प्रांत है, b सह प्रांत और a का प्रतिबिंब b है। अगर हम सारे प्रतिबिंबों का एक समुच्चय बना लें तो वह समुच्चय हमारा परिसर कहलाता है। आइए अब कुछ आगे बिंदु पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे कि कब एक फलन हमारा व्युत्क्रमणीय होता है, यानी इन्वर्टिबल होता है। एक फलन f व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि वह एकैकी तथा अज्जादक हो। एकैकी, एक फलन f a से b तक एकैकी फलन है यदि fx1 बराबर है fx2 के, और यह दर्शा रहा है x1 बराबर है x2 के। कोई भी अगर हम x1 एंड x2 ले लें, कहाँ से? प्रांत में से। अच्छादक फलन, एक फलन f a से b तक अच्छादक फलन है यदि किसी प्रदत्त y, जो कि हमने कहाँ से लिया है? परिसर में से, उसके उपरांत हमें क्या मिल जाए? एक ऐसा अवयव मिल जाए प्रांत में से जो जिसका प्रतिबिंब y के बराबर हो, यानी इस प्रकार की fx बराबर हो y के। ठीक, हमने कक्षा 11वीं में कई त्रिकोणमितीय फलन भी पढ़े हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। इसके आप प्रांत और परिसर भी जानते हैं, आइए उन्हें भी याद करें। साइन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और परिसर संवृत अंतराल माइनस एक से एक तक। ऐसे ही कॉस फलन का भी प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और परिसर संवृत अंतराल माइनस एक से एक तक। अब टैन फलन को देखेंगे। टैन फलन का जो प्रांत है वह वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें से कुछ संख्याएं हटा दी हैं। वह कौन सी संख्याएं हैं? आप देखेंगे सारी विषम कई हैं, पाई बटे दो की, यानी पाई बटे दो, तीन पाई बटे दो, पाँच पाई बटे दो, ये सारी हमने संख्याएं वास्तविक संख्याएं के समुच्चयों में से हटा दी। वह समुच्चय हमारा टैन फलन का प्रांत बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इन सारी संख्याओं पे पाई बटे दो, तीन पाई बटे दो, इन सब पे हमारा जो टैन फलन है वह परिभाषित नहीं होता। टैन फलन का परिसर पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार आप अन्य त्रिकोणमितीय फलन का भी प्रांत और परिसर इस तालिका में देख सकते हैं। बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि क्या इन प्रांत और परिसर पे जो त्रिकोणमितीय फलन हैं वे व्युत्क्रमणीय भी हैं? तो आइए देखें हम क्या लेंगे। सबसे पहले साइन फलन को लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा आलेख है साइन फलन का। इसका प्रांत भी हम देख चुके हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और परिसर संवृत अंतराल माइनस एक से एक तक। क्या ये साइन फलन इस प्रांत पे व्युत्क्रमणीय है? नहीं, ये व्युत्क्रमणीय नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये एकैकी नहीं है। ध्यान देंगे, स्पष्टतः अगर हम साइन शून्य, साइन पाई और साइन टू पाई निकालें तो इनका मान एक ही आएगा, और वह क्या है? शून्य। तो ये एकैकी नहीं है। तो हम व्युत्क्रमणीय के लिए क्या करेंगे? हम इस प्रांत को सीमित करेंगे ताकि हमारा जो साइन फलन है
वह क्या हो? व्युत्क्रमणीय हो और इसका प्रतिलोम सुनिश्चित हो सके। तो हम इस पूरे वास्तविक संख्याओं को अंतराल में बांटेंगे, देखेंगे। अगर हम प्रांत ले लें समृद्ध अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो में, पूरे प्रांत को अगर इस अंतराल में हम सीमित कर दें तो हमारा परिसर समृद्ध अंतराल माइनस एक से एक वाला एक एकैकी तथा अच्छादक फलन हो जाता है। कैसे? आइए आपको एक परीक्षण दो, क्षितिज रेखा परीक्षण। ये कैसे होगा? अगर मैं पूरे फलन पे एक क्षितिज रेखा खींचूं, अगर वह एक से ज्यादा बिंदुओं को, जो बिंदु है हमारे, एक से ज्यादा बिंदुओं पे इस फलन को काटेगी तो वह एकाकी नहीं होती। तो आप ये देख सकते हैं, पूरे प्रांत जो कि हमारा क्या था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अगर मैं क्षितिज रेखा लूं तो वो कई सारे बिंदुओं पे काट रही है, इसीलिए वह एकाकी नहीं थी। अगर आप इस प्रांत में देखें माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो, इसके अंदर अगर हम क्षितिज रेखाएं बनाएं तो आप देख सकते हैं ये साइन फलन को केवल और केवल एक बार ही काटेगा। और ये क्या है, क्या दर्शा रहा है कि इस प्रांत में और इस परिसर के अंदर जो साइन फलन है वह हमारा एकैकी है एवं अच्छादक भी है। तो यानी इससे हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा साइन फलन है वह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। किस प्रांत में? समृद्ध अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो में। प्रश्न उठता है, क्या सदैव ही हम यही अंतराल लेंगे? क्या कोई और अंतराल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखेंगे, अगर हम अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो ना लेकर, पाई बटे दो, ये हमारा पाई बटे दो है, यहां से तीन पाई बटे दो तक ले लें, यानी ये अंतराल ले लें, तो आप देखेंगे इस अंतराल में भी हमारा जो साइन फलन है वह एकैकी एवं अच्छादक दोनों है। यानी इस अंतराल में भी हमारा जो साइन फलन है वह क्या है, व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम सुनिश्चित हो रहा है। ऐसे ही बच्चों आप आगे देखेंगे कि हमारे पास कई ऐसे अंतराल आप ले सकते हैं, जैसे कि समृद्ध अंतराल माइनस तीन पाई बटे दो से माइनस पाई बटे दो, समृद्ध अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो, समृद्ध अंतराल पाई बटे दो से तीन पाई बटे दो, इत्यादि में किसी में भी अगर आप सीमित करेंगे तो वह परिसर समृद्ध अंतराल माइनस एक से एक वाला एक एकाकी तथा अच्छादक फलन हो जाता है और हमें प्रतिलोम सुनिश्चित हो जाता है। आइए अब आगे देखें, इनमें से प्रत्येक अंतराल में जो साइन फलन है इसके प्रतिलोम फलन को हम इस प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं। ध्यान देंगे, हम इसे साइन प्रतिलोम ही कहेंगे। साइन प्रतिलोम यानी साइन की घात माइनस एक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन एक्स की घात माइनस एक कहेंगे तो इसका मतलब होता है एक बटे साइन एक्स, जो कि ये प्रतिलोम नहीं दर्शा रहा। ठीक, अगले बिंदु में ध्यान देंगे। साइन प्रतिलोम एक फलन है जिसका प्रांत समृद्ध अंतराल माइनस एक से एक है और परिसर कोई भी अंतराल हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारा साइन फलन अगर हम इस प्रांत पर लेते हैं तो परिसर माइनस एक से एक आएगा समृद्ध अंतराल, तो हमारा प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसका प्रांत क्या होगा? हम जानते हैं प्रतिलोम का प्रांत जिस फलन का हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं उसका परिसर बन जाता है, यानी प्रांत क्या हो गया, समृद्ध अंतराल माइनस एक से एक।
और परिसर माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो। ठीक, जैसे कि आप इस आलेख में भी देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये आलेख है, ये हमारा इस प्रांत में यानी माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो के अंदर, इस प्रांत के अंदर हमारा जो साइन फलन है वह क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब अगले बिंदु में ध्यान देंगे। इस प्रकार हर एक अंतराल में के संगत में हमें एक फलन की एक शाखा प्राप्त होती है। ठीक, आखिरी बिंदु में ध्यान देंगे। जिसका परिसर हमारा संवृत अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो है, वह हमारी मुख्य शाखा कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रतिलोम फलन की परिभाषा से हम क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं। हम देख सकते हैं साइन और साइन प्रतिलोम एक्स किसके बराबर है, एक्स। ये एक्स कहाँ से आ रहा है, संवृत अंतराल माइनस एक से एक तक, तथा साइन प्रतिलोम साइन एक्स बराबर है एक्स के, जो एक्स कहाँ से आ रहा है, संवृत अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो तक। ठीक, दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं, वाई बराबर साइन प्रतिलोम एक्स, ये किसके बराबर यानी क्या हमारा दर्शा रहा है, साइन वाई बराबर एक्स भी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन प्रतिलोम एक का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या निकालेंगे। अगर मैं साइन प्रतिलोम एक को y के रूप में लिख सकती हूँ, इसका मतलब साइन y मेरा किसके बराबर है, एक के। और आप जानते हैं y कि क्या संख्या होगी जो साइन y मेरा एक होगा, आप जानते हैं ये क्या है, साइन पाई बटे दो पे मेरी जो साइन फलन की संख्या है यानी जो मान है वह एक होता है, यानी साइन पाई बटे दो बराबर में एक। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ें, एक टिप्पणी पे ध्यान देंगे। यदि f बराबर एफ एक्स है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो x बराबर f प्रतिलोम y होता है, ये हम जानते हैं। अतः मूल फलन साइन के आलेख में x तथा y अक्षों का परस्पर विनिमय करके हम साइन प्रतिलोम का आलेख प्राप्त किया जा सकता है। और ये कैसे, देखेंगे। यदि अगर हम a और b साइन फलन के आलेख का एक बिंदु है, तो ba साइन फलन के प्रतिलोम यानी साइन प्रतिलोम का एक संगत बिंदु है। जैसे कि ये हमारा एक और पाई बटे दो, ये हमारा किसका बिंदु है, साइन फलन का। तो आप ध्यान देंगे पाई बटे दो और एक, ये हमारा साइन प्रतिलोम का संगत बिंदु है। ठीक, तो आप कह सकते हैं इसी प्रकार हम साइन फलन से जो साइन प्रतिलोम का फलन है उसका आलेख बना सकते हैं। ठीक, एक और चीज पे ध्यान देंगे बच्चों। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रतिलोम फलन यानी जो हमारा साइन प्रतिलोम फलन है, इसका आलेख y बराबर x रेखा के प्रतिह मूल फलन के आलेख को दर्पण प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम मुख्य जो शाखा है इसमें देखें, ये हमारी क्या है, साइन फलन, ये हमारा y बराबर x रेखा दर्शा रहा है, ये हमारा दर्पण के तौर पर दर्शाता है, यानी इसका जो प्रतिबिंब आएगा वह हमारा क्या बन रहा है, साइन प्रतिलोम का आलेख बन रहा है। ठीक, यानी हमें साइन प्रतिलोम मिल रहा है। तो इसी प्रकार जो हमारा वाई बराबर एक्स रेखा है, यही चीज हमारे दर्शा रही है प्रतिह मूल फलन के आलेख को, मूल फलन हमारा क्या है, साइन फलन, इसके आलेख को दर्पण
जो प्रतिबिंब है के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं, और किसको प्राप्त कर रहे हैं, साइन प्रतिलोम के फलन को। ठीक, आइए अब देखें हमने क्या देखा। हमने प्रतिलोम देखा, साइन फलन का, कॉस फलन का, ये हमारे प्रतीक हैं। प्रांत समवृत्त अंतराल माइनस एक से एक और समवृत्त अंतराल माइनस एक से एक दोनों का। मुख्य शाखा हमें क्या मिली, साइन प्रतिलोम की, समवृत्त अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो। और मुख्य शाखा इसी प्रकार जिस प्रकार हमने साइन प्रतिलोम का निकाला है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो हमारा कॉस प्रतिलोम है इसकी मुख्य शाखा है जी समवृत्त अंतराल शून्य से पाई। मुख्य शाखा के अलावा भी आप जानते हैं कि अन्य शाखाएं भी हो सकती हैं, वह हमारी अन्य शाखाएं हैं। साइन प्रतिलोम की अन्य शाखाएं तो हम देख चुके हैं, कॉस प्रतिलोम की जो अन्य शाखाएं हैं वो क्या है, समवृत्त अंतराल माइनस पाई से शून्य और समवृत्त अंतराल पाई से दो पाई। ऐसे ही आप कई शाखाएं निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर हमें कॉस प्रतिलोम की अन्य शाखा निकालनी हो इन दोनों अंतरालों से अलावा, तो हम कैसे निकालेंगे, दो पाई में आप क्या कर दें, पाई जमा, तो आप देखेंगे दो पाई से पाई हमारा एक और क्या मिल गया, अन्य शाखा मिल गई कॉस प्रतिलोम की, तो समवृत्त अंतराल दो पाई से पाई। ठीक, इसी प्रकार हम अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन के क्या करेंगे, प्रांतों को सीमित करके उनका प्रतिलोम सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए अब कुछ और त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख देखें और उनके प्रतिलोमों के भी आलेख देखें। ये देख सकते हैं ये हमारा कोसेकेंट फलन है, उसका आलेख है, और ये कोसेकेंट प्रतिलोम का आलेख है। ध्यान देंगे ये जो रंग उभरा हुआ है ये हमारा प्रतिलोम दर्शा रहा है मुख्य शाखा में, तो इसकी मुख्य शाखा क्या है यह देख लेते हैं। कोसेकेंट प्रतिलोम का जो प्रांत है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें से हमने वह सारी संख्याएं हटा दी हैं जो कि विवृत अंतराल के अंदर आ रही हैं माइनस एक से एक के अंदर। ठीक, मुख्य शाखा है कोसेकेंट प्रतिलोम की, समवृत्त अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो, जिसमें शून्य नहीं आ रहा। अन्य शाखा भी आप इसमें देख सकते हैं तालिका में, और सीकेंट प्रतिलोम इसका प्रतीक देख सकते हैं। प्रांत, प्रांत भी हमारा जो कोसेकेंट प्रतिलोम है उसके समान ही होगा। इसकी मुख्य शाखा क्या होगी, मुख्य शाखा है समवृत्त अंतराल शून्य से पाई, पर इसके अंदर हमारा जो पाई बटे दो है ये संख्या क्या नहीं होगी, सम्मिलित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम क्योंकि जानते हैं कि जो हमारा सीकेंट फलन है इस पाई बटे दो पे परिभाषित नहीं होता। ठीक, अन्य शाखा भी आप तालिका में देख सकते हैं। आइए अब अगला आलेख देखें। यह आलेख, ये वाला आलेख आप देख सकते हैं किसका है, टैन फलन का। इसी प्रकार इस आलेख के अंदर भी आप अगर क्षितिज रेखा परीक्षण देखें तो आप देख पाएंगे कि पूरे के पूरे हमारा जो प्रांत था उसके अंदर हमारा टैन फलन क्या नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। इसको भी हम शाखा और अंतराल में बांटेंगे और उसके बाद हम देख पाएंगे कि हमारा जो टैन प्रतिलोम आ रहा है वो इस प्रकार आ रहा है, और ये जो ये शाखा यानी ये जो रंग आप देख सकते हैं उभरा हुआ रंग, ये हमारा प्रतिलोम दर्शा रहा है मुख्य शाखा में, और मुख्य शाखा क्या है, आइए इस तालिका में देखें। इस तालिका से आप देख सकते हैं कि हमारा टैन प्रतिलोम और कॉट प्रतिलोम, इसके प्रांत, मुख्य शाखा और अन्य शाखा क्या क्या है। जैसे कि टैन प्रतिलोम का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पूरा का पूरा, क्योंकि हम जानते हैं जो टैन फलन है इसका परिसर क्या था, यही था। ठीक, मुख्य शाखा क्या हुई, मुख्य शाखा है विवृत अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो। अन्य शाखा भी आप देख सकते हैं वह क्या है, विवृत अंतराल
माइनस तीन पाई बटे दो से पाई बटे दो और विपरीत अंतराल माइनस पाई बटे दो से तीन पाई बटे दो। ठीक, अब कॉट प्रतिलोम को देखेंगे, इसका प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मुख्य शाखा, विपरीत अंतराल शून्य से पाई। ठीक, और अन्य शाखा विपरीत अंतराल माइनस पाई से शून्य और पाई से दो पाई। ठीक, आइए अब कुछ प्रश्न भी लें। इस प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना है, किसका? साइन प्रतिलोम, साइन तीन पाई बटे पांच का। बच्चों ध्यान देंगे, अगर हमारे पास कोई भी शाखा नहीं दी हुई है तो हम जो मान है वो मुख्य शाखा के अंदर ही निकालेंगे। ठीक, हमारे पास क्या दिया हुआ है? साइन प्रतिलोम साइन तीन पाई बटे पांच, इसको हम तीन पाई बटे पांच लिख सकते हैं, यही हमने निष्कर्ष निकाला था। परंतु आप देखेंगे जो तीन पाई बटे पांच है वह हमारी मुख्य शाखा में नहीं आता। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे? साइन प्रतिलोम साइन तीन पाई बटे पांच को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यह आप जानते हैं, यानी पाई माइनस दो पाई बटे पांच। ठीक, इसको हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, साइन दो पाई बटे पांच। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यानी किसके बराबर हुआ? दो पाई बटे पांच। और हाँ, अब आप जान सकते हैं और आप जानते भी हैं कि दो पाई बटे पांच जो है वह किसमें आता है? समवृत्त अंतराल माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो। ठीक, तो यानी साइन प्रतिलोम साइन तीन पाई बटे पांच का मान क्या हुआ? दो पाई बटे में पांच। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न लें। इस प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना है टेन प्रतिलोम वर्गमूल तीन घटा सीकेंट प्रतिलोम माइनस दो का। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो आइए सबसे पहले टेन प्रतिलोम वर्गमूल तीन का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं टेन प्रतिलोम वर्गमूल तीन बराबर है वाई के। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? टेन वाई बराबर में वर्गमूल तीन। हम जानते हैं टेन पाई बटे तीन का मान वर्गमूल तीन है, तो यानी टेन पाई बटे तीन बराबर में वर्गमूल तीन, तो यानी वाई का मान हमें मिल गया। वाई का मान कितना हुआ? टेन प्रतिलोम वर्गमूल तीन बराबर में पाई बटे तीन। इसे हम एक से संबोधित कर देते हैं। अब हमें किसका मान निकालना है? सीकेंट प्रतिलोम माइनस दो का। आइए इसे निकालें, सीकेंट प्रतिलोम माइनस दो, इसे भी हम मान लेते हैं y1 से। आप किसी से भी प्रतीक ले सकते हैं, t, x, कोई भी आप प्रतीक के रूप में इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसे कैसे और लिख सकते हैं? दूसरे शब्दों में secant y1 बराबर में माइनस दो। ठीक, यानी ये किसके बराबर हुआ? secant pi माइनस pi बाय तीन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं secant pi बटे तीन किसके बराबर होता है? दो के। और यहाँ क्या है? घटा का साइन, तो यानी हमारा क्या हो गया? secant pi माइनस pi बटे दो, pi बटे तीन किसके बराबर हुआ? माइनस दो के। ठीक, ये हमारे पास क्या आया? secant दो pi बटे तीन बराबर में माइनस दो। इसका मतलब y1 का मान हमें कितना मिला? यानी secant प्रतिलोम माइनस दो किसके बराबर हो गया? दो पाई बटे तीन। ठीक, अब हमने tan प्रतिलोम वर्गमूल तीन का मान ज्ञात कर लिया, secant प्रतिलोम माइनस टू का मान ज्ञात कर लिया, तो आसान है। अब हम इस पूरे का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, वह क्या हुआ? एक और दो को,
यानी घटाना है। क्या आया? पाई बटे तीन, घटा का साइन दो, पाई बटे तीन। अब इसको हल करने पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितना आया, माइनस पाई बटे तीन। देखेंगे यानी हमारे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, एक सवाल मैं आपको गृह कार्य का देती हूँ। यह सवाल, इसके अंदर भी आपको मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल समान प्रश्न है जैसे हमने अभी किया था साइन फलन के लिए। कॉस प्रतिलोम कॉस 13 पाई बटे 6, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान आपको मुख्य शाखा के अंतर्गत ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें आज के सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा। इस सत्र में हमने प्रतिलोम देखे, त्रिकोणमितीय फलन के, साइन प्रतिलोम, कॉस प्रतिलोम, कोसेकेंट प्रतिलोम, सेकेंट प्रतिलोम, टैन प्रतिलोम और कॉट प्रतिलोम। इन सभी प्रतिलोमों के हमने प्रांत, मुख्य शाखा और अन्य शाखाएं भी देखी, जो कि आप इस तालिका में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। वे बिंदु क्या हैं? सबसे पहले हमने देखा साइन प्रतिलोम एक्स और साइन एक्स की घात एक में हमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वास्तव में हम देख चुके हैं साइन एक्स की घात माइनस एक एक बटे साइन एक्स के बराबर होती है, और ये तथ्य अन्य त्रिकोणमितीय जो फलन है उसके लिए भी सत्य है। दूसरा बिंदु, जब कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख ना हो तो हमारा तात्पर्य क्या होता है कि हमें उस फलन की मुख्य शाखा से ही होता है, यानी हमें मान मुख्य शाखा के अंतर्गत ही निकालना है। आखिरी बिंदु, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है तो वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। अंग्रेजी में हम इसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। बच्चों, आशा करते हैं इस सत्र में आपको समझ में आया होगा, आनंद आया होगा। धन्यवाद।